आज जो मैंने लंच में बनाया है उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा आज लाइटिंग इफेक्ट चेंज है, पर रेसिपी बढ़िया ही होगी, क्योंकि आज जो रेसिपी मैंने बनाई है, अगर कोई भी वेजिटेबल घर पे नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि आज आलू भी नहीं है और कोई सब्ज़ी भी नहीं है घर पे, तो इस रेसिपी को आप राइस के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ मैंने राइस बनाए हैं और ये रेसिपी गेस करिए क्या है, एंड में तो आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ पहले, क्योंकि जायका तो तभी आएगा जब थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आज मील में है क्या। तो राइस के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ कोई ड्राई वेजिटेबल भी बना सकते हैं, पर जब कोई वेजिटेबल ना हो और दाल बनाने का मन भी ना करे तब आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़े से प्याज के साथ सर्व कर रही हूँ और ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए, नॉन ऑयली जो हमारे पास आम का अचार होता है उसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है। तो सिंपल सी रेसिपी होने वाली है जो कि लगभग 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट आपको बाहर से भी नहीं चाहिए होते। तो मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगी और सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। तो जल्दी से पहले एरोमेटिक कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही मैंने 4 से 5 गार्लिक लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़े को बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ ही एक ग्रीन चिली ले लेनी है। छोटी है तो ठीक है, मेरे पास ये बड़ी ग्रीन चिली थी तो मैंने इसको आधा ही कट किया है और बारीक चॉप कर लेंगे आप इसको। यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और इस बोल में हमने कर्ड लिया है, ये पैकेट वाला कर्ड है। यहाँ पर नंदनी का कर्ड अवेलेबल होता है और यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, और ये इस स्टेट में जनरली एक चीज़ बहुत ही खास लगी मुझे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड ये बाहर का फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर इनका अपना लोकल स्टेट का ही एक ब्रांड होता है पर्टिकुलर, उसी को ज़्यादा ये लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर नंदनी ज़्यादा फेमस है, जैसे हमारी साइड पराग है, बट पराग से ज़्यादा लोग अमूल पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अमूल की क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सल है और ये हर जगह मिल जाती है। तो अमूल की फ्रेश क्रीम लगभग 1 टेबल स्पून के अराउंड आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और अगर अंदाज़ा नहीं होता है तो यहाँ पर आप इसको 3 मीडियम चम्मच इसको ले लीजिएगा। इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे सॉल्ट के साथ। मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट का यूज़ किया है और इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। इसमें जो आपके कर्ड का टेक्सचर है ना, वैसे तो क्रीमी होता ही है, बट क्रीम ऐड करके इसका टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है और डिलीशियस हो जाती है। इसको विस्क करके आप साइड रख देंगे। देखिएगा इसको कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा विस्क करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा और इसको साइड रख देना है। अब एक कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए, इसमें ऑयल को हीट कर लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हीट हो चुका है, मस्टर्ड ऑयल लिया था हमने। इसमें ज़्यादा खड़े मसाले तो यूज़ नहीं करने, बट ज़ीरे को चटका लेना है। करी पत्ता आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर करी पत्ता, जैसे कि धनिया वहाँ पर सेल होता है अपनी साइड, ऐसे ही यहाँ पर करी पत्ता सेल होता है। तो यहाँ पर बंचेस मिलते हैं, मैं उसको लाकर रख लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है मैंने, और इसके साथ ही यहाँ पर गार्लिक आपने जो बारीक चॉप किया था उसको हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि गार्लिक में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसको, इसलिए पहले भून लेना है। इसके बाद हम सबसे पहले अदरक को भूनेंगे, जिसको मैं गदरक कह रही हूँ अभी। तो अदरक को हम सबसे पहले भून लेंगे, और यहाँ भी साथ में हमारे पास ग्रीन चिली है। आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च तड़के वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गोल वाली जो तड़के वाली मिर्च है वो थी और मैं डालना इसमें भूल गई हूँ, बट आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें आप स्टार्टिंग में ही तड़के वाली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके आप इसमें अच्छे से भून लेंगे। प्याज का अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लगभग 450 ग्राम के अराउंड कर्ड लिया था, क्योंकि थोड़ा सा कर्ड मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर 450 ग्राम के करीब कर्ड लिया था। तो 400 ग्राम से 450 ग्राम के लिए एक बड़े प्याज काफ़ी होगी। यहाँ पर ये भुन चुकी है। अब इसके भुनने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए उतना हल्दी ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है हल्दी को।
इसके साथ ही टमाटर को बारीक चॉप कर लिया। टमाटर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर को ऐड करिएगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो टमाटर हमने एक ही लिया है जिसको बारीक चॉप करके हमने इसके साथ में मिक्स कर लिया। अब देखिए इसको जब हम कुक करते हैं ना तो बहुत सारे लोग इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल के साथ तो ये हेल्दी भी नहीं रहेगी। तो मैं कम ऑयल के साथ ही रेसिपी कुक करने की कोशिश करती हूँ, तो जितना कम ऑयल हो सके उसके साथ ही इसको बनाना। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं और जल्दी से फ्राई भी हो जाती है हमारी वेजिटेबल्स। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आज थोड़ा सा चेंज है, काली मिर्च पाउडर या फिर येलो चिली पाउडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें कलर का मेन इम्पैक्ट आना है, इसीलिए यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ मैंने किया है। इस तरह से इसको सेक लेंगे अच्छे से भुनने के बाद में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास स्टील की कढ़ाई है, पैन का यूज़ मैंने किया नहीं, तो ये स्टील की कढ़ाई के साथ बड़ा रिस्क रहता है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके पास कढ़ाई नहीं है तो स्टील की कढ़ाई में जनरली जल जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ के ब्रांड की ही मोवा ब्रांड है, यहाँ पर कोई उसके ब्रांड की कढ़ाई है जिसे मैंने नीचे से ही परचेज़ किया था, यानी कि मेरे फ्लोर के नीचे ही एक ग्रॉसरी स्टोर कह सकते हैं वहाँ पर अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ से ही परचेज़ कर लिया रेसिपीज़ के लिए, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं निकली। अब जो हमारे पास मिक्सचर है वो अच्छे से भुन चुका है और हम इसको अब दही जो हमने फेंट के रखा था उसमें इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई थोड़ी सी ही गर्म थी क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद भी आप इस मिक्सचर को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ दही फट जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें जो स्मूदी टेक्सचर आना है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए एक बार इससे विस्कर की हेल्प से इसको एक बार फिर से विस्क कर लीजिए, तो ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी सी दही तड़का की रेसिपी मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो और दाल भी खाने का मन ना करे और प्रोटीन रिच लेना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। ये राइस के साथ, चपाती के साथ, परांठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं और साइड रेसिपी के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। जब कोई गेस्ट आ रहा है तो रायते के रिप्लेसमेंट में इसको बनाइए, मज़ा आ जाएगा। धनिया पत्ती के साथ इसको सर्व करें और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर प्याज को और स्प्रिंकल कर दिया है जो कि सिकी हुई थी मेरे पास रिमेनिंग। अब इसका क्लोज़अप देख लीजिए, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, लास्ट में मैं आपको क्लोज़अप दूंगी इस रेसिपी का, और मुझे तो सच में इसका कलर और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है लगी। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको रेसिपी, कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के इस रेसिपी को शेयर कीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।